हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। हम लोग रेडी हो चुके हैं वृंदावन जाने के लिए। दोस्तों, कल हम लोग आधा वृंदावन घूमे थे, आज जा रहे हैं जो बचा हुआ है पुराना वाला वृंदावन घूमने के लिए। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं निधि वन घूमने के लिए। निधि वन का ये सामने से रास्ता जाता है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। एंड मैं कितना कुछ जानती हूँ जो मैं आपको बता सकती हूँ। ये सिंदूर है रेड वाला, बहुत रेड है, ये दोनों सेम ही है। कैसे है बाबू? अच्छा अच्छा, ये वाला। और ये क्या है, ये जो किरकिरी वाला है? सिंदूर है। अच्छा, 50 का 50 ग्राम। दोस्तों, आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। अगर आप निधि वन के लिए आ रहे हो तो चश्मा और फ़ोन संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा चालू है, चश्मा और फ़ोन छीन के ले जाते हैं। और ये जो बंदर है, इनको सिखाया हुआ रहता है, ये अपने मालिक की सारे बातें मानते हैं। अगर आपका वो फ़ोन छीन के ले जाएंगे और अपने मालिक को देंगे, फिर आप उनके मालिक से फ़ोन वापस ले सकते हो, लेकिन उसका भी चार्ज है 50 रुपये, 100 रुपये, वो जितना डिमांड करें वैसे देना पड़ता है। ये अंदर की बात है, यहाँ पे किसी ने नहीं बताया है कि बंदर सिखाए हुए हैं, मुझे एक आदमी ने बताया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखना। और ये जो गली है, इस गली में बहुत सारे क्लोथ्स, सिंदूर एंड मेकअप की चीज़ें मिल रही है, कान्हा की चीज़ें मिल रही है। जब आपका निधि वन घूम के हो जाए तो आप रिटर्न होना, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, सबका प्राइस ठीक ठाक है। हम भी लौटते टाइम कुछ लेंगे यहाँ से, अभी सोचा नहीं है क्या लेना है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो आप। तू आगे चलो। यहाँ पर जूता रखने के लिए बनाया गया है और ऊपर लिखा भी गया है कि बंदरों से सावधान रहें। यहाँ पर राधा रानी के सिंगार का सामान मिल रहा है, इसमें 16 सिंगार का सामान है, इसको आप खरीद सकते हो और अंदर जाकर राधा रानी को चढ़ा सकते हो। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं निधि वन के लिए, चलिए देखते हैं। और मुझे जितना भी जानकारी है निधि वन के बारे में, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे चारों तरफ ऐसे गेट दिया गया है चचरा का, ताकि हम अंदर ही अंदर चले और पेड़ पौधों को टच ना करें। ये वन है, देखने के लिए ऐसा है। यहाँ पे लिखा है वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। ठीक है, आप यहाँ से मिट्टी वगैरह नहीं ले सकते, ये पेड़ हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ बंदर निगरानी में बैठा है ताकि फ़ोन मिले तो छीन लें। हम लोग फ़ोन दबा रहे हैं, यहाँ सामने ही है, देखते हैं क्या करता है। सामने लोग आ रहे हैं, सारे लोग फोन छुपा दिए। दोस्तों, आप देख सकते हो निधि वन के ये जो पेड़ है, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये कभी अलग नहीं होते। और नीचे की तरफ पूरे सूखे हुए पेड़ दिखेंगे आपको और ऊपर पत्ते लगे हुए। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर रात में किसी की एंट्री नहीं है, इंसान हो या जानवर, किसी की भी एंट्री नहीं है। और ये गेट के बहुत अच्छा किया गया है ताकि लोग इसे टच ना कर पाए, और ये बहुत बड़ा है। दोस्तों, वृंदावन में निधि वन एक पवित्र और रहस्यमय स्थान है। माना जाता है राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान आधी रात्रि में रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधि वन में रंग महल में शयन करते हैं। निधि वन के अंदर रंग महल बना है, मैं आपको थोड़े देर में वहां भी ले चल के घुमाती हूं और दिखाती हूं। रंग महल में आज भी शयन के लिए पलंग लगाया जाता है और दातून और भोग प्रसाद भी रखा जाता है। सुबह जब रंग महल का पट खुलता है तो दातून गिली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है। बिस्तर को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई यहाँ पर रात्रि में सोया हो।
दोस्तों यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जो पानी रखा जाता है वो पानी आधा पिया हुआ रहता है, जो भोग लगता है वो भी खाया हुआ रहता है। भोग में लड्डू लगते हैं और भी सारी चीज़ें रखी जाती हैं लेकिन मुझे लड्डू पता है। और रात में जो पान रखा जाता है वो भी आधा चबाया हुआ रहता है, जो सिंगार के सामान रहते हैं वो भी बिखरे पड़े रहते हैं ऐसे जैसे कि राधा रानी और कृष्ण भगवान सिंगार किए हो। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जहाँ पर सारे सिंगार का सामान चढ़ाया जाता है और यहाँ पर फोटो लेना मना है। मुझे मालूम नहीं था, मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया, अगर ठीक से आया होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मम्मी कहाँ है? मम्मी मेरे ही है। मम्मी, मेरी मम्मी पीछे हैं। यहाँ हर जगह पर दान पात्र बनाया गया है ताकि किसी को दान करने का मन हो तो दान कर सकते हैं। आप देख सकते हो कैसे अंदर पेड़ एक दूसरे से लगे हुए हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जो अलग अलग होगा, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे बोलते हैं कि ये कृष्ण भगवान की सखियां हैं और ये रात में रासलीला करते हैं। यहाँ रात में किसी की भी एंट्री नहीं है, चाहे वो पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, अंदर एंट्री नहीं है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पर रात में रासलीला होता है, कृष्ण भगवान आते हैं, राधा आती हैं और गोपियाँ आती हैं जो डांस वांस करते हैं। निखिल बताओ ना, कुछ जानते हो वन के बारे में? दरअसल में ऐसा होता है कि जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये गोपियाँ हैं और जब सूर्यास्त होता है हर सूर्यास्त को ये गोपियाँ ये पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और श्री कृष्ण आते हैं यहाँ पर स्वयं और रासलीला मनाते हैं। ये हजारों सालों से हो रही है, अभी की बात नहीं है और बस इसी वजह से इस जगह को क्लोज कर दिया गया है कि वहाँ जो अंदर है पेड़ उसे परेशान ना करे। ये पेड़ जैसे नीचे से सूखे दिखाई दे रहे हैं ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं, तो ये अपने आप में चमत्कार है। ये वन कोई नॉर्मल वन नहीं है। सभी बोलो राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, यहाँ पर राधा रानी स्नान किया करती थी ऐसा बोला जाता है। हम फोन को अंदर नहीं डाल सकते वरना बंदर छीन के लेके जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ऊपर से दिखाने के लिए, आई होप आपको दिख रहा हो। दोस्तों ये देखो ये पेड़ कैसा है, नीचे से पूरा सूख गया, ऊपर एक दूसरे में कैसे फंसे पड़े हैं। कोई पेड़ यहाँ का सीधा नहीं है, सारे टेढ़े मेढ़े एक दूसरे से फंसे हुए हैं और नीचे से लग ही नहीं रहा कि मतलब ये पेड़ जीवित है, सब सूखे मुरझाए से लग रहे हैं लेकिन ऊपर देखो कितने हरे भरे हैं। ये देख सकते हो आप, एक पेड़ बाहर के तरफ है, यहाँ पे खड़े होके मैं दो चार पिक्चर्स निकलवाऊंगी, मेरा बड़ा मन हो रहा है पेड़ के साथ पिक्चर्स निकालने का। दोस्तों ये रंग महल है, यहाँ पे राधा रानी का सिंगार हुआ था, निधि वन में जो सिंगार हुआ था राधा रानी का वो यहीं पे हुआ था। मालूम नहीं है मुझे कि कैमरा अलाउ है कि नहीं अलाउ है, मैं कोशिश करूंगी वीडियो लेने का। ये बैक साइड है, अभी हम लोग फ्रंट जाएंगे घूम के। हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह निकाल रहे थे, एक पेड़ बाहर है और आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ऐसा मैंने सुना है कि ये जो पेड़ है सिर्फ यहीं पे है, इसके सिवा ये पेड़ कहीं भी नहीं है। लड्डू खाया धातु किया पान के बाद श्रृंगार बिखरा हुआ पड़ा रात्रि का दर्शन कर ले, जो माताएं श्रृंगार ला लें वो चढ़ा लें, जो नहीं ला पाए वो दोस्तों निधि वन में 16,000 वृक्ष हैं जिसकी खासियत ये है कि इनकी जो डालियां हैं नीचे की तरफ झुकी हुई और आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। मान्यता यह है कि 16,000 वृक्ष रात्रि में कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर रास रचाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वृक्ष है कृष्ण भगवान की सखी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गोपियाँ हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो 16,000 वृक्ष है कृष्ण भगवान की 16,000 रानी है। रात्रि में होने वाली यह लीला को कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वह अंधा गूंगा बहरा हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि के 7, 7:30, 8 बजे के बाद मतलब मंदिर का गेट बंद हो जाता है, अंदर
पशु हो, पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, कोई भी नहीं रुक सकता। जो रुक जाता है वो मर जाता है, ऐसा बोला जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये समाधि है। ये समाधि उन लोगों की है जो लोग चोरी छुपके से रात में जंगल में घुस गए थे, और यहाँ पर जब सुबह में लोग आए तो देखे कि वो लोग मरे हुए हैं, तो उनकी समाधि यहीं पे बना दी गई। ये मुझे निखिल ने बताया। निखिल श्योर हो? बात यही है? हाँ, मुझे नहीं पता है ज्यादा। भक्त लोग है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और किसी भी कंडीशन में उनको देखना चाहते थे। अब सबको पता है कि यहाँ पे कृष्ण जी आते हैं, तो मंदिर के पट बंद होने से पहले चेक किया जाता है। चेक किया गया था तो ये लोग छुप गए थे, और जब वापस से पट खुले तो इन लोगों की डेथ हो चुकी थी। इन लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से भगवान को देख लिए थे, उसके बाद दुनिया में बचे ही क्या, इसलिए इन लोगों ने अपना देह त्याग दिया। अच्छा, और यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़े ओपन में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के और ये कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। वहाँ पे गाइड वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। हमें बहुत कुछ पता था इसलिए हमने गाइड नहीं रखा। यहाँ पे होली हो रहा है। ये कौन है, निखिल के फ्रेंड्स है क्या? हाँ, उनके सब्सक्राइबर्स। अच्छा, सब्सक्राइबर्स यहाँ भी टकरा गए निधि वन में। सही है, यहाँ पे देखो जिया फोन बजा के। ये मंदिर है, बंसी चोरी राधा रानी। राधा रानी कृष्ण भगवान की बंसी चुराई थी एक बार यहीं से। तो चलिए दर्शन करते हुए आगे निकलते हैं। अरे चोर तो खाऊंगा दीदी भाई, चोर तो खाऊंगा। अरे दादी का फोन में रिक्वेस्ट कोई नहीं। तो बंसी चोर मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल हुआ दर्शन करने में। लोग पीछे सभी फिट रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा अभीर से भर चुकी हूँ, सर हाथ पूरा पीछे वाला हिस्सा भी गया है। शायद मम्मी अंदर है। आखिरकार दोस्तों दर्शन बड़े ही अच्छे से हो गया, मतलब हर जगह दर्शन किए और भगवान की पिक्चर्स भी निकल गई। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। मेरा फ़ोन बंदर लेके नहीं गया क्योंकि ये चीज़ मुझे पता था और मैंने फ़ोन को कस के पकड़ रखा था। दोस्तों एक साउथ अफ्रीका का आदमी था, वो मुझे बोला कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये बुक लेके गया और बोला कि डोनेशन 20 लेके गया। हाँ, और उसके बाद से पैर जैसे छू जा था। मैं बोली नहीं नहीं पैर नहीं छू। उसने पूछा कहाँ से, मैं बोली मैं यूपी से ही हूँ, यूपी में गोरखपुर की तरफ से। बहुत खुश हुआ, अभी वो आगे निकल गया और सबको बुक बांट रहे हैं। अच्छा चीज़ है।
नेम? पवित्र. पवित्र, नाइस नेम. माय सेल्फ पूजा तिवारी. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए. ब्लॉग पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए. और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, बाय.